बताओ सासू भाई। ठीक है सुन भाई, और हुआ ये कि गायत्री और अभिषेक की शादी होने के बाद, अरे मैं लड़की की आवाज़ में क्यों बोल रहा हूँ, अच्छा हुआ ये कि गायत्री और अभिषेक की शादी के बाद थोड़े से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए। गायत्री तो चली गई ससुराल, और ये भी एक्चुअली अपने ससुराल आ गया। अब ये दोनों को वापस मिलाने के लिए हमने कई पैंतरे आजमाए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया बिकॉज ऑफ हिम। नापास हो गया, फुल्ली फेल हो गया। इसको समझ भी नहीं आ रहा है कि गायत्री को कैसे पटाया जाए, किस तरह से फिर से उससे नज़दीकियाँ बनाई जाए। तो ये गायत्री का बाप, देखो क्या हालत हो गई है बाप की, बेटी और जवाई को मिलवाने के लिए अब ये रूप धारण करके हम जा रहे हैं अन्ना भाई के घर। और अन्ना भाई के घर जाके इसकी और गायत्री की नज़दीकियाँ बढ़ाने के लिए ये हमारा एक छोटा सा प्रयत्न है। तो हम कामवाली बाई बन के अन्ना भाई के घर जा रहे हैं। मैं हूँ सासू भाई और ये है मेरी सुन भाई। तो हम दोनों जा रहे हैं वहाँ पे, और देखिए इतना धमाल आएगा वहाँ पे, क्योंकि मैं अन्ना का ध्यान रखूँगी जो भी है, और ये जो है ये गायत्री का ध्यान, अच्छे से ध्यान रखना बेटा। मैं उसकी दोस्त बनने वाली हूँ या बनने वाला हूँ पता नहीं अभी। बनने वाला हूँ, बनने वाले हो क्या होता है। हाँ, तो ये है एक रफ बैकग्राउंड, ये है कि गायत्री और अभिषेक को दोबारा मिलाया जाए, उनमें जो अभी जो दूरियाँ चल रही हैं वो मिटाई जाए, प्यार दोबारा उभार के लिए आ जाए। तो ऐसा नहीं रे, बाप के सामने क्या कर रहा है तू सब ये। तो ये यही कोशिश है, ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि फिर लोग देखेंगे तब उनको पता चलेगा कि एक्चुअली क्या होने वाला है। हाँ, कहाँ फंसने वाले हम दोनों ये करते करते, क्योंकि औरत बनना बहुत डिफिकल्ट है, ऐसे भी और वैसे भी। अभी पता चल रहा है लड़कियों को टाइम क्यों लगता है, 1.5 घंटा तैयार होने में। और बाल 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 दोनों की एक ही चीज है, एक ही समस्या है, एक ही समस्या है बाल। और काफी डायलॉग्स में भी प्रॉब्लम्स होते हैं कि क्योंकि एक लड़की का किरदार प्ले कर रहे हो, तो उसके लिए क्या आपको प्राप्त हो गया, कितनी तैयारी अभी कर रहे करते करते अभी देखिए अभी तो क्या शुरुआत है ना।